हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। आपको खुशामदीद कहेंगे और गुड मॉर्निंग कहेंगे। इशफाक, आपने भी मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं उस स्कैम को फॉलो करना शुरू हो गई। हाँ जी, मैं ये चाह रहा था कि जितने स्कैम हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करें, बट द पॉइंट इज के वी हैव टू लुक हियर बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो वी कैन लुक एनीवेयर, वी कैन लुक हियर। आप सबसे पहले मुझे बताएं, आपकी नींद पूरी हुई या नींद उड़ गई? कब नींद पूरी होती है, कब ये जालिम, ये बड़ा दुखी टॉपिक है, इसके ऊपर आप तस्करा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन आप किस हवाले से पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पहले सबसे पहले मैं सलामी पेश करना चाहूँगी और एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने कल भी बैठ के कराची किंग्स का मैच देखा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, और फिर क्या रिजल्ट था? बिल्कुल वही, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ, आठ के आठ मैचेस में यकसा परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन बहरहाल मुश्किल हालात थे और ओवरऑल ये सीज़न जो है और ये जो जिसे कह सकते हैं हमारा जो ये सफ़र था, इस दफ़ा कराची किंग्स का कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ शुरुआत से लेकर आखिर तक। और कराची किंग्स ने इस मैच में भी डिस्पाइट द फैक्ट कि दे मेड 170 ऑड रन्स, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान्स They are in the form, they are in the run. Oh my God, मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक मैच हार रही है जी, और कैसी कंसिस्टेंसी के साथ उनकी परफॉर्मेंस जो सामने आ रही है। मोहम्मद रिजवान क्या कल शानदार उन्होंने कल खेला, 76 रन उन्होंने कल स्कोर किए। उसके अलावा हमने देखा कि पूरी टीम की जो हमें एफर्ट वहां पर नजर आई, रिजवान कंसिस्टेंट हैं। हाँ। वो जाहिर है कि उनकी टीम पे रिफ्लेक्ट भी करता है। बाबर आजम जो है हमारे काफी सारे हमारे साथ सेटबैक्स हैं। आपने इस क्लिप देखा था रिजवान का, एक छोटा सा क्लिप सामने आया था, बाद में पूरी टीम को वो बैकअप कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जी चैंपियंस हैं हम और चैंपियंस ऐसे ही खेलते हैं और हम इसी तरह फतुहात का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। देखें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बहुत से सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके जाहिर है कि जवाब तलाश करेंगे और कि किस वजह से ये फेलियर हुआ, किस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं हुई, एक यूनिट नहीं बन सका। लेकिन बहरहाल और भी कई मामलात हैं जिसपे हम अपने मॉर्निंग शो में बात करेंगे। मौसम कैसा है, लाहौर में शदीद धुंध पड़ी है जिसके कुछ असरात हमने कल भी देखे, मैच में देखे। इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि धुंध शदीद है और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है कुछ बात कर लेंगे इस पे। साथ ही साथ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वहाँ पर कुछ ट्रैफिक आज जैम चल रहा है, तो भाई इस्लामाबादियों क्या वजह है जी, इस वजह से ट्रैफिक जैम है आपके पास, बताइए जरा। ये आप हमें बताएं, हम नहीं आपको बताएंगे, आप हमें बताएं कि क्यों आपने ट्रैफिक जैम कर रखा है, क्योंकि नॉर्मली ट्रैफिक जैम के हवाले से हम सुनते हैं कि कराची में होता है। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हूँ कराची में रह के। उसकी वजह ये है कि मौसम आज ठंड है हल्की सी और आज है गर्मी, तो अभी आज आप देख रहे होंगे मेरा जो आउटफिट है वो भी थोड़ा सा गर्मियों का तासीर, जी जी जी, स्प्रिंग्स का तासीर दे रहा है। तो मैं एक दिन क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा विंटर वाला पहन रही हूँ और एक दिन जो है समरी स्टफ में। वेल सेड, वेल सेड। तो बात ये है कि आउटफिट जाहिर है कि मौसम के हिसाब से होते हैं और जैसा मौसम जैसा देश वैसा भेस, जैसा मौसम वैसा आउटफिट और जैसा प्रोग्राम वैसी टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज इत्तेहादियों का हुकूमत पर इत्मीनान, एमकेएम ने तहरीक अदम एतमाद को प्याली का तूफान करार दे दिया। काफी के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, चौधरी परवेज इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। आईसीसी ने टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, मोहम्मद रिजवान की दूसरी पोजीशन, बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी की पहली पोजीशन है। और जामिया पंजाब के तलबा का बड़ा कारनामा, बॉटनी के उस्ताद और तलबा ने मिलकर आलूदा पानी को साफ करने का जदीद तरीका मुतारिफ करवा दिया। प्लांट की तंसीब के लिए जामिया पंजाब ने खतीर रकम फराहम की। अच्छा जी, तो कल हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस जब हाई हुई तो उसके झटके भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, और आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। अवाम ने तो इस पर एतराज किया, अपने तहफुजात का इजहार किया जो कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हर महीने ही हम देखते हैं कुछ ना कुछ बम गिरा दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, किसी ना किसी चीज में उसके निर्ख में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन आईएमएफ के साथ जब आप जाके मुजाकरात करते हैं, कोई कड़ी शरायत डील जो है वो हासिल करते हैं, तो उसके नतीजे में कई शरायत होती हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ता है। और इसी तरह से बिजली के निरखों में इजाफा, सब्सिडीज में कमी, सब्सिडीज को खत्म करना, टैक्स रेट बढ़ाना, टैक्स नेट बढ़ाना, ये ऐसे जो मुतालबात हैं जो कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जानिब से किए जाते हैं, और एक तासुर ये जाता है कि वो आपकी मईशत को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जनाब जो हुक्मरान जमात के जो इत्तेहादी जमातें हैं, जाहिर है उन्होंने आवाम को मुँह दिखाना है,
तो वो ये कह रहे हैं हलकों में जाना है, और सबसे मसला ये है, हाँ सबसे बड़ी बात ये कि काफ लीग जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है उनकी जानिब से कल पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया, जिसमें इजहार तशवीश किया गया पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस पे, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अमनो अमान की सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, इसको भी यकीनी बनाया जाए। लेकिन जो उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया जो हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान भी बन सकता है, वो ये कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको फिलफौर वापस लिया जाए, जो नई कीमत आपने भाई बात ये है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा, और जाहिर है कहा कि आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को ब्रीफ किया और उनको एतमाद में भी लिया। उधर एम के पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीन उल हक ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की बातें चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाने की बात है तो इसको मुकम्मल कौन करेगा? बज़ाहिर नंबर गेम में वो कहीं नजर नहीं आते हैं। सूरतहाल पिछले 15 दिन महीने भर से चल रही है, ये बिल्कुल चाय के प्याली में तूफान के मानिंद है। पिछले 3.5 साल देखा जाए तो अपोजिशन ने जो जो कोशिशें की हैं वो नाकाम हुई है। टीवी के ऊपर मीडिया के ऊपर एक शोर शराबा क्रिएट किया जा रहा। चले जी, क्या सिचुएशन बन रही है इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आज की बात करना चाहेंगे, जो सियासी मंजरनामा दिन ब दिन बदल रहा है, और कल जिस तरह से काफ लीग ने ये भी कह दिया कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो वापस ली जाएं, एक तरह से चैलेंज भी कर दिया हुकूमत को, क्योंकि आप इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें अपोजिशन की जानिब से जो रबते हुए और उसके बाद ये भी कहा गया कि हमें एतमाद है हुकूमत पे, लेकिन अब कुछ हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज होती दिखाई दे रही है, क्या समझते हैं आप? हुकूमत की क्या मजबूरियां होंगी और पाकिस्तान की मईशत की कितनी जिगरगू सूरत हाल होगी कि जिसकी वजह से इतने नामकबूल किस्म के फैसले करने पड़ रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप पेट्रोल की प्राइसेस में एकदम इतना बड़ा इजाफा करते हैं, आवाम की चीखें निकलेंगी, अफराद ज़र मुल्क में बढ़ेगा, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो जितनी भी चीज़ें मतलब आमदोरफ के किराए महंगे हो जाते हैं, आप देखते हैं कि माल की जो तरसील होती है उसमें महंगाई आ जाती है, तो हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो एक महंगाई का एक आपको नई लहर आपको नजर आएगी, और ये वो फैसला है कि जायजा है कि हुकूमत को 1.5 साल बाद उसकी नजरें हैं कि हमें इंतखाबात में भी जाना है, फिर उनको जो है पंजाब की बलदियाती इंतखाबात में भी नजर है। तो आप, मैं सिर्फ तस्वुर कर रहा हूँ कि क्या मजबूरी होगी हुकूमत की कि वो इस पिच पर आगे खेल रही है कि जहाँ पर आप अपोजिशन को यानी कि उसके खिलाफ को एक बना बनाया एक अपने खिलाफ एक वो दे रहे हैं, केस दे रहे हैं। और जाहिर है कि जो इत्तेहादी हैं वो भी जैसे कि आपने फरमाया अपने इब्तदाई कलमात में, उन्हें अवाम के पास जाना है, उन पर अपने वोटर्स का प्रेशर है, कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है, तो वो भी इस पर तनकीद करेंगे। तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है और कोई भी अगर हुकूमत हो तो उसको इसी राह पे चलना होगा, या तो कोई बहुत इनकलाबी फैसले कर लें कि IMF के प्रोग्राम को उठाकर फेंक दें और आप पता नहीं क्या कहें कि जब साइकिल पे सवार होकर सफर किया। सर मुझे थोड़ा सा ये इसमें रहनुमाई कीजिएगा, आपके नजदीक इनएक्सपीरियंस था शुरू से लेके अब तक, 5 के करीब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 5 से ज़ायद वज़राए ख़ज़ाना आपने चेंज किए, फिर उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजंस लिए आपके ख्याल में कि जिनकी वजह से हालात इस नहज को पहुंचे, या दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल सिंस द बिगिनिंग के ऐसा ही होना था, इसी हाल में आके हमने आज फंसना था? लेकिन ना तजुर्बेकारी का यकीनन अमल दखल था। असद उमर साहब जिस कहते हैं ना, जिस उम्मीदों से लाए गए, तो जो उम्मीदें आवाम को वाबस्ता थी, तो वो ज्यादा अरसे अपनी विकेट पे जम के नहीं खड़े हुए। उसके बाद जाहिर है कि इनके पास इम्पोर्टेड किस्म के वजीर खजाना आए हैं, वो चाहे हफीज साहब हों और ये शौकत तरीन साहब कभी पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और लोगों के साथ हुआ करते थे, मुशरफ साहब के साथ थे, फिर शेख साहब, तो जाहिर है कि ये एक इम्पोर्टेंट वजीर जो खजाना थे, और उसके साथ ही फिर आपने देखा वही स्टेट बैंक के गवर्नर को आपने इम्पोर्ट किया, और जाहिर है कि IMF मैन को जो है वो आपने स्टेट बैंक में लाके बिठा दिया। यकीनन जो थे कि हुकूमत के पास जो है चॉइसेस नहीं थी, यानी कि एक तो तजर्बा नहीं था, इनकी अपनी टीम नहीं थी, और उसके बाद वो लोग आए कि जो बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के जो उनके प्रोग्राम्स हैं उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना था। तो जाहिर है कि उसमें सूरत हाल ही होगी कि होम ग्रोन सोल्यूशन नहीं थे हमारे पास। बात ये होती या तो आप बैन अल-अक़वामी उसकी डिकेट सुन लें, या फिर आपके पास ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हों कि आप उन पर अमल दरामद करें। फिर हुकूमत की तरजीहात भी शुरू में अगर आप याद रखें कि बड़ा मजाक फेज लगता था आपके, अब अगर आप याद करें कि जी भैंसे फरोख्त करेंगे और हम पुरानी गाड़ियां फरोख्त करेंगे, वो बहुत ही सिम्बोलिक चीजें थी, बिल्कुल उन चीजों पर हो गया। और जो चीजें करने की थी, मसलन के जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, कौम को आज भी इंतजार है। हमारे यहाँ जो स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं हर माह खा जाती है, नुकसान में चलने वाले इदारे,
उनको टर्न अराउंड करने के लिए, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ नहीं किया गया, उनको उनकी निष्कारी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो बहुत सारे इकदाम थे कि जो किए जा सकते थे कि जहां पर चिवनिया ठन्नी अगर आप बचाना शुरू करें तो उसका इम्पैक्ट आता है। फिर ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जहां पर हम हुकूमत की तंकीद करते हैं वहां पर कुछ चीजें बियॉन्ड देयर कंट्रोल थी। पेंडेमिक आया, एक आलमी वबा आई, बिल्कुल इनके। अच्छा, फिर आप देखते हो कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कहते हैं एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं वो इतने बड़े पैमाने पर ऐसा जो चीजें डोमेस्टिक प्रोड्यूस होती हैं, जहां पर आटा हो गया, अगर हम चीनी की बात कर लें, ऐसी बंपर क्रॉप्स की खबरें आती हैं लेकिन फिर वही नतायज देखने को मिलते हैं। तो आपके नजर में ये चीज आप समझ सकते हैं, हुकूमत समझ सकती है, किसी हद तक अगर अपोजिशन समझना चाहे, लेकिन आवाम जिनका कुव्वत खरीद में इजाफा नहीं हो रहा, तो आपको समझते हैं कि वो इन बातों से मुतमईन होंगे कि हुकूमत मजबूर है? भाई आवाम मुतमईन नहीं होंगे। और जो आपने कहा ना कि मकामी जो हम मतलब पैदावार करते हैं वो क्यों महंगी हो रही है, भाई इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो वो चीजें भी महंगी होंगी। अच्छा, एक बात ये कि हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारे हिजब इख्तलाफ, हमारी हुकूमत जो है वो अवाम को इतमाद में लेने में भी नाकाम रहे हैं, उनका वो बयानिए की लड़ाई में भी नाकाम रहे हैं। और हम एक कहते हैं हाउ बिग अनएजुकेटेड, ज्यादातर हमारा जो है आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं, अखबार देख लें आप, रसाइल देख लें आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, उसमें कोशिश ये होती सबकी कि हम इश्तियाल पैदा करें और हम लोगों के, और जाहिर है कि जब मसला होगा तो लोग चीखेंगे भी, लेकिन एक होता है कि एजुकेटेड डिस्कोर्स आप करें कि वजह बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सहाफी का काम सिर्फ ये नहीं कि हम खबर दें, हम ये भी बताएं कि क्यों, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्नलिज्म। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये भी बताएं, और मुझे ये लगता है कि ये जो आलमी आप कीमतों में इजाफा देख लीजिए, जैसे यूक्रेन रूस का एक तनाजा खड़ा हुआ है जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया, और बहुत सारी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में है, तो दो तीन माह का एक बड़ा सख्त हमारे ऊपर दौर है, हो सकते तवील भी हो, हम नहीं कह सकते, तो उसके अंदर जाहिर चीखें निकलेंगी, लेकिन उसमें जो हुकूमत को एक कहते हैं जो उसको दबाव का शिकार होगी, इसमें खिलाफ को जो अटैक का मौका मिलेगा, तो उससे मजीद आप देखेंगे सियासी तो इस्तेकाम पैदा होगा। और वो कहते हैं कि मईशत को दुरुस्त करना हो तो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, और सियासी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आता जब तक मईशत ना ठीक हो, तो वो चिकन एंड एग वाला एक सवाल है हमारे सामने। तो मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, और जाहिर है हुकूमत के पास मुश्किल नहीं है। जी जी, लेकिन हम देखते हैं कि आलमी मंडी में प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, अगर कल को ये प्राइसेस कम होती हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है, तेल की कीमतों में, तो इसका भी जो असरात हैं वो आवाम तक पहुंचेंगे? पहुंचने चाहिए, जब जब महंगाई के असरात पहुंचते हैं और कीमतों में अगर कमी होगी तो उसके भी पहुंचने चाहिए। असूरी तौर पर मैं बात करूँ, फिर मुझे नहीं पता कि हुकूमत के जो फैसला साज है वो क्या करते हैं। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है आवाम को रिलीफ देने का सोचना चाहिए, इनको किस तरह देते हैं वो जाहिर है वो पॉलिसी मेकर्स का एक फैसला है। आईएमएफ से जिस तरह का प्रोग्राम निगोशिएट किया गया उसमें एक बहुत ज्यादा झोल है, इस बात में झोल है कि सिर्फ मईशत की बात नहीं हो रही, वो जो कहते हैं जियो पॉलिटिक्स जो है वो इम्पैक्ट करी हमारे अमरीका बाद से ताल्लुक इतने अच्छे नहीं, अमरीकी बड़े खुशाइन बातें करते हैं। आखिरी चीज वो ये है कि ये जो काफ लीग ने जिस तरह से परवेज इलाही साहब ने एतमाद में लिया और साथ ही पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया, तो ये सिर्फ महंगाई को रेप्लिकेट करें या उसका असरात हैं कि जिसकी वजह से वाकईतन वो कह रहे हैं, या फिर जो उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से उसके भी कुछ असरात हैं? दो बातें देखिए, जो हिजब इख्तलाफ के लोग तो कहते हैं जो इत्तेहादी उनको भी मौका मिलता है, और वो भी कहते हैं ना, वो अंग्रेजी का फ्रेज है कि जी प्लेइंग टू द गैलरी, आवाम को दिखाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं उस तनाजुर में ले रहा हूँ, ये जो इत्तेहादियों के जो भी आएंगे इस तरह के बयान के बाद लोग भी कह सकते हैं इस तरह की बात ना। दूसरी बात ये कि जो काफ लीग मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब उनके भाई की शहादत की, तो उसमें मैं नहीं समझता कि एक उसकी सिम्बोलिक वैल्यू बहुत है, अलामती चीज बहुत है कि कितने बरस के बाद ये रूठे हुए जो है माजी के साथ एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से एकदम जो है काफ लीग एकदम बल्लाबाजी खाएगी। ठीक है, उसकी वजह है कि जाहिर है कि उन्होंने डसे में माजी में नवाज शरीफ साहब के, और क्या अगर वो उनका साथ देते तो उनका जो शेयर है ताकत के उसके अंदर बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने जाएगा। नून लीग उनको जगह नहीं देगी पंजाब में अपनी जो सियासी जड़ों को बढ़ाने के लिए, अभी भी अगर आप देखें तो बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका पंजाब हुकूमत के अंदर, और वो अपनी कम तादाद के बावजूद, कम नंबर के बावजूद जो है उनके प्रोपोर्शन से ज्यादा उनके पास चीजें, बिल्कुल ऐसे। तो अगर उनको कोई वादा करे ऐसा कि हम आपको इसकी जगह रुपए की जगह 2 रुपए मिलेंगे तो समझ में आते हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त 2 रुपए देने की पोजीशन में इसमें खिलाफ नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आप सब मौजूद रहे, आपने तजिया किया, 1 रुपए की जगह 2 रुपए की खबरें तो आ रही थी कि भाई वो मैं वजीर आजम तुसी वजीर आला, तो अभी 7 अजला तक कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 अजला तक
डिफेक्टो हुक्मरानी है परवेज इलाही साहब की, तो वो हो सकता है बढ़ जाए अगर ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्या बात, जो इत्तेहादियों का और हुकूमत का और ऑपोजिशन का चल रहा है एक मामला, ट्रायंगल बना हुआ है, लेट्स सी किस साइड पे इत्तेहादी बैठते हैं। तो अब क्या है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो हमने आगाज में बात की थी PSL की, और जख्मों पे नमक छिड़कने का फिर से वक्त आ गया सती। बड़ा मतलब इट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, इट हैज बीन सैड कि देखें टीमें खेलती हैं, आदत हो गई है, टीमें खेलती हैं मैचेस, लेकिन ये कि उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होता है, काफी सारे मुकाबले होते हैं, लास्ट मैच में वी वर क्वाइट अनलकी, हो गए सती। हां, अब तो ये माने आप इस बात को, अच्छा जी इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई हैं, आसान हो गई। बात ये हुई कि जी कल मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था। मुल्तान सुल्तान्स जो कि इस वक्त नंबर वन टीम है और कराची किंग्स इस वक्त पॉइंट टेबल्स पे सबसे नीचे है, तो कल जो मैच हुआ उसमें कल भी हम कह सकते हैं कुछ परफॉर्मेंस और कुछ किस्मत साथ नहीं हमारा दिया, और किस्मत ने भी अच्छा, और बॉलिंग हमारी मुझे लग रहा है बिल्कुल ही नाकाम हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है प्लेयर्स को। मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि शायद वो एक प्रेशर डेवलप हो गया हुआ है कि अब आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे उस हिसार में से। कल अच्छा आप वो देख रहे थे उनकी, इमरान ताहिर ने क्या आउटस्टैंडिंग वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने क्या बॉलिंग की है, और उसके बाद जिस तरह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक एक मोमेंट को, जेलसी तो हो रही थी शदीद किस्म की। कल 175 रन्स का हदफ दिया था कराची किंग्स ने पहले खेल कर, लेकिन हुआ ये कि हम लोग बॉलिंग में भी कुछ नहीं खास कर पाए, लेकिन टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था सकती। वैसे 175 इज अ गुड टारगेट अगर देखा जाए ना, देखें 120 बॉल होती है, अभी तो 200 कन्वेंशनल कन्वेंशनल विजडम से देखें ना कि 20 ओवर में 120 बॉल्स होती हैं, उसके ऊपर जितने भी रन ज्यादा बन जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड काफी ज्यादा होता है, उसके अंदर अगर आपका बॉलिंग अटैक हो तो उसको वो बैक करने के लिए काफी होता है। लास्ट वाले ओवर्स में सती अगर थोड़ा सा कर लेते ना अच्छा तो हम शायद जीत जाते। क्रिस जॉर्डन ने क्या कल किया, इतने छक्के खाए, इतनी मार खाई, उसके बाद क्रिस जॉर्डन के अलावा जो हमने देखा कि वहाँ उनकी जानिब से रूसों ने जिस तरह से मारा एंड में, आप देखें, और फिर लास्ट में जो उमैद ने ओवर करवाया उस पे जो वसीम अकरम साहब जो हमारे कोच हैं कराची किंग्स के, उनका जो गुस्सा था कल वो भी आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वसीम अकरम साहब आए, खुद उठकर आ गए ग्राउंड में और बाबर आजम को कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे जहनों में भी, कोच भी परेशान हो गए थे कि कल ये क्या कर रही है टीम। और आप ये देखें कि ऑन पेपर द टीम वाज ग्रेट, मतलब बाबर आजम द वन हु इज लीडिंग द टीम, ही इज इनफैक्ट लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ही इज बीइंग वेरी सक्सेसफुल, द यूनिट इज ग्रेट, बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन कुछ सेटबैक्स जिस तरह से हमने बताया कि आमिर की गैर मौजूदगी जो कि बैकबोन थे हमारे पेस अटैक की, फिर साथ ही साथ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि जिनके आंसर्स जो हैं वो तलाश करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा ये है कि आप जो कह रही थी ना कि प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो सूरत में होता है कि जब हम फिर भी इफ़ वी वर इन द मिक्स, अब तो हम बाहर हो गए ना, मतलब लाइक वी गॉट नथिंग टू नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि इज्जत बचाने के लिए एक मैच तो जीत जाए हम, वो इसी चक्कर में प्रेशर एक बन गया, और बाकी है अभी, हाँ दो तो अभी और बाकी है इंशाल्लाह, अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। खैर बहरहाल अब आज के मैच की हम बात करते हैं, आज का जो पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होने जा रहा है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और सिचुएशन ये है कि जी पॉइंट्स टेबल में दोनों टीम्स ही बराबर हैं, 8-8 पॉइंट्स हैं दोनों, लेट्स सी कि अब कौन सी टीम जीती है, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतने जा रही है? आई एम सपोर्टिंग, वैसे तो इस्लामाबाद इज माई सिटी समहाउ, लेकिन ये है कि आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी बिकॉज ऑफ वहाब रियाज, बिकॉज ऑफ कामरान अकमल, और मतलब आई डोंट नो, आई लाइक पेशावर ज़ल्मी। मैं फिर इस्लामाबाद की साइड पर हो गई हूँ। बहरहाल ज़ल्मी की बैटिंग लाइन में अगर हम बात करें, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं, बेन कटिंग हैं, फोर्ड हैं, मोहम्मद हारिस हैं, लिविंग स्टोन हैं, और हुसैन तलत जैसे हार्ड हिटर आज जो हैं वो अपना जलवा बिखेरेंगे मैदान में। उसके बाद अगर बॉलिंग में बात करें तो वहाब रियाज जो हमारे कैप्टन भी हैं पेशावर ज़ल्मी की साइड पर, सलमान इरशाद हैं, उस्मान कादर हैं, मोहम्मद उमर हैं, और अच्छी बैटिंग बॉलिंग लाइन है इनकी पेशावर ज़ल्मी की। बिल्कुल, सो लेट्स सी, ऐसा ही है। और ओवरऑल सिचुएशन पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये बताएं भाई, ये मुल्तान सुल्तान्स तो जीत गए, सही है भाई उनका मोमेंटम है, सही है, बड़ा ज़बरदस्त टीम है एंड वी ऑल्सो लाइक रिजवान, लेकिन ये मुसलसल 8वां मैच कराची हार गया है, क्या लगता है आपको कहाँ कमी नज़र आती है? देखिए हार जीत तो ये फॉर्मेट में होती है, ऐसा नहीं है, बट इतनी बुरी तरह हार जीत होना जो है ना वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क है।
और दोष तो सारों को देना चाहिए, बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि देखिए आप अभी बात कर रहे थे बाबर के बारे में, उसमें कोई डाउट है ही नहीं कि वो वर्ल्ड क्लास अपनी जगह है, बट एक दो तीन मैच होने के बाद कुछ चेंजेस होती हैं। वसीम अकरम इज ए ग्रेट, वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी जगह है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बाबर पाकिस्तान के लिए ओपन करते हैं तो हम उनको नहीं हटा सकते, तो ऐसा नहीं, हमें आगे की तरफ देखना है, हमें यही मैचेस नहीं देखने बल्कि और आगे देखना है कि हमारे पास कौन कौन के ऑप्शन मौजूद हैं। कराची के लिहाज से मैं समझता हूँ कि देखिए बार बार हम ये बात बैठ के बात करते हैं कि पहले सिक्स ओवर, और सारी टीमें, आप सारी टीमों को उठा के देख लें कि पहले सिक्स ओवर जो है वो कैश करते हैं। बिल्कुल, आपने अब तक देखा बाबर ने रन्स भी बनाए, बहुत कुछ किया, मगर स्लो, इतना स्लो कि आपकी टीम बहुत डैमेज हो गई, और इतनी डैमेज हुई आई डोंट नो क्यों दो तीन मैच बाद कुछ चेंजेस करके देख लेते। अब अंदर मुझे नहीं पता, इतने ग्रेट प्लेयर बैठे हुए अंदर अपनी जगह है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक सेटबैक हुआ है कराची के साथ, इतनी बड़ी टीम, इतनी जबरदस्त टीम, इतने जबरदस्त लोग, बड़ा खैर बाहर बैठ के तो लोग सिर्फ बता ही सकते हैं ना, वसीम है या और है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है बाबर को क्या बल्कि पाकिस्तान को इस बारे में अब सोचना पड़ेगा कि हम इस फॉर्मेट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज, बहुत लड़के रन्स बन रहे हैं, शान कर रहा है, फखर कर रहा है, काफी लोग रन्स कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर चेंज आप चेंज करके देखें ना, ये कंट्री की टीम को अब हम देख रहे हैं ना, अब ये कोई एक फ्रेंचाइज की टीम तो नहीं है ना। ठीक है आपने किया, लेकिन बड़ा मुझे तो बड़े हैरत है कि लेकिन तौसीफ साहब सर ये कहिएगा, सिर्फ बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, पूरी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है ताकि अगले जो दो मैचेस हैं उसमें हम कुछ परफॉर्म कर लें, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं, होते फर्स्ट सिक्स ओवर ही हैं, उसमें अगर आपका 50 या उसमें एक आध विकेट भी गिरती है तो आपका 180-190 रन चले जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हम फोकस क्यों हमारा बाबर पे है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा ओवर भी खेल रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है, जाहिर है आप 14-13-14-15 ओवर अगर खेल के चले जाएंगे तो नीचे आने वाला तो फिर हिटिंग की सोचेगा ना। ठीक है, सब पे जिम्मेदारी अपनी जगह है, और कुछ क्लोज भी गया मैच, और एक लास्ट बॉल पे जो रन पे हारे मैच वो भी एक देखने से ताल्लुक था, तो आई थिंक मेरा ख्याल बैड लक तो ठीक है होती है, मैं इसको बैड लक नहीं कहूंगा, इसको जो मैं समझता हूँ कि सही प्रिपरेशन इस तरह नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा तो आसिफ साहब आज के मैच की बात करते हैं, खुसूसन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, रन रेट अगर देखा जाए दोनों के वैसे पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स 8-8 हैं, बराबर हैं, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बेहतर टीम है, तीसरी पोजीशन पर है। आप क्या समझते हैं आज कौन सी टीम, आपकी प्रेडिक्शन जाना चाहेंगे, जीतेगी आज और बेहतर? इस फॉर्मेट में तो वैसे हम जान छुड़ा लेते हैं कह के ये, बट हम अगर इस्लामाबाद को देखें तो इस्लामाबाद की एक ऐसी टीम है जो बैलेंस टीम बनाई हुई है उन्होंने, और जबरदस्त परफॉर्म भी कर रही है, जाहिर है परफॉर्म करती है तो सब कहते हैं भाई वो तो करी परफॉर्म रही है, बट आई थिंक मुकाबला अच्छा होगा, और इस्लामाबाद तो फर्स्ट फोर में मुझे डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। अब सिर्फ क्वेटा और जो है हम पिशावर की करेंगे, पिशावर एक अच्छी टीम है अपनी जगह है, बट जैसा इस्लामाबाद खेल रही है उस तरह नहीं, बट आज का दिन जो अच्छा खेलेगा जबरदस्त अच्छा। उनके लिए अच्छा, आज की जो मैच है उसके हवाले से सवाल आप कर चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मैं तो भाई सपोर्ट कर रहा हूँ आज पिशावर ज़ल्मी को जो भी है। सर देखिए मैं टीम वाइज देखूंगा, और फिर मैं 3 साल इस टीम के साथ रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और जो परफॉर्मेंस कर रही है तो मैं उनको फेवर जरूर करूंगा, बट आज जो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली। बिल्कुल सही है, तो आसिफ अहमद साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, आज के मैच के हवाले से बात की उन्होंने, कल के मैच में क्या फ्लॉज थे, कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई, और मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, तो बात यह है कि अब आईसीसी रैंकिंग्स के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि रैंकिंग्स में वैसे बता देते हैं कि बाबर आजम अभी भी पहले नंबर पे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ओके। सो वेलकम बैक वंस अगेन, और सती आपने लाहौरी दही भल्ले ट्राई किए? बिल्कुल जी, आई हैव बीन टू लाहौर, आई लिव देयर फॉर 1 ईयर, तो वहां के दही भल्ले हमेशा मैं मिस करती हूँ, और उससे रिलेटेड एक गाना भी था ना, वो बल्ले बल्ले तिखा लो दही पल्ले लोर लोरे, हाँ ये था।
अच्छा, लेकिन अब हम आपको, लेकिन यहाँ के भी काफी चना चाट, मिक्स चाट, दही भल्ले यहाँ के भी अच्छे होते हैं, दही बड़े बल्कि बस ठीक है, बस ठीक है। नहीं ऐसा पिशावर की तरफ जा रहे हैं, हालांकि पिशावर में ज्यादातर बात की जाती है कि नमकीन गोश्त और गोश्त खोर वहाँ के लोग इस तरह के, लेकिन वहाँ पर अब दही बल्ले का कल्चर भी आया और बड़े मजे की बात यह कि वहाँ पर रवायती कटोरी चाट वाले दही बल्ले हैं। वो क्या है, वो क्या है, नए दही बल्ले आए हैं भाई ट्रेंड मार्केट में, अदनान तारिक बता रहे हैं। मुगल दौर का एक खुराक है जो शहनशाही लोग खाया करते थे, तो मैं इसके अंदर जिद्दत लेके आया, कुदरती माहौल बनाता हूँ यहाँ पे देते वक्त के, एक मिट्टी का बाउल है उसके अंदर कटोरी जो है, वो कटोरी पूरी हमारी पापड़ी की बनी होती है, वन पीस होती है, और उसके अंदर जो हमारी फिलिंग्स होती हैं उसके अंदर हम छोले होते हैं, चने होते हैं, उसके अंदर बल्ली होती है, उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि उसका जो फ्लेवर्स है, जो मैं जायका बनाता हूँ, वो मैं मसाले खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, खुद बनाता हूँ, और उसमें तकरीबन 28 मसाले मैं डाल के चाट मसाला बनाता हूँ। मिट्टी की कटोरी में सजी पापड़ी से बनी कटोरी, जिसकी पहली तय आलू चने भली, सौंफ, अजवाइन, लौंग, जीरा और मिक्स की खुबानी मुरब्बे की चटनी, जिसके ऊपर आई ड्राई फ्रूट की बारी, काजू, बादाम, पिस्ता, पाइनएप्पल के बाद बारी आई मौसमी फ्रेश फ्रूट, अनार, माल्टे, केले के ऊपर मलाई और शहद की मिठास से भर गई चाट कटोरी। घर की फरमाइश पे कह रहे थे कि चाट ले आओ, तो यहाँ पे कटोरी चाट मिलता है, बड़े मजे का होता है, तो बड़े दूर से आया हूं इसके लिए। बड़ा यूनिक जो है ये मिट्टी का बर्तन और इनमें कटोरी चाट में पहले इंग्रेडिएंट्स इनके ऐसे होते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ ये डाल देते हैं, स्पाइस भी इनके जो है वो जबरदस्त स्पाइस है। कटोरी चाट की खास बात मन पसंद जायके में है दस्तयाब, दही और दीगर चटपटी अशिया के मिलाप ने कटोरी चाट के नए अंदाज ने इस ढाबे की खूब सेल में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अदनान तारिक, एयरवे न्यूज, पिशावर। They are not coming slow, सती। They are not, लेकिन I am confused। लाहौर वालों को पूरा मुकाबले के लिए वो दे दिया, चैलेंज कर दिया, ऐसा बना के दिखाओ। मुझे एक बात बताना, इस मग में कॉफी डाल दें, चाय डाल दें, चीनी डाल दें, पत्ती डाल दें, अदरक डाल दें, लहसुन डाल दें, सारी चीजें डाल दें, उसके बाद उसको कोई नाम दे दें। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कुछ तो छोड़ देते, फ्रूट भी डाल दिया, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल दी। आप ये देखें कि कितनी हेल्दी किस्म की उन्होंने दही भल्ले बनाए हैं, इतने कुछ रह गया, चाट भी बना दी। एंड में मैं सोच रहा था कि शायद ये फ्रूट चाट ही है, लेकिन बहुत मजे का लग रहा है। मैं तो जब पिशावर जाऊंगी ये ट्राई करूंगी। हौला रख के ट्राई करना जी, जिसने भी करना है। ब्रेक लेते हैं। तो एक ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और वजीर आजम इमरान खान से उनकी कुछ देर बाद मुलाकात भी होगी। इस्लामाबाद में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। बिल गेट्स NCOC हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा पोलियो प्रोग्राम पर भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद आपको ये बताएं कि बिल गेट्स नूर खान एयरबेस पर पहुंचे, लेकिन आज शाम ही वो वापस रवाना भी। बिल्कुल जी, मुख्तसरी एक दिन का दौरा है, आएंगे जाएंगे, मुलाकातें होंगी, मसरूफ तरीन दिन उनका गुजरेगा। और अब क्या बात करने वाले हैं हम जी? अब हम बात करेंगे कि खून की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, जिस्म में कमज़ोरी की अलामत क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं, खून की कमी क्यों होती है, और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका हमारे जिस्म में और हमारे खून में क्या अहम रोल होता है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। और ये है बेसिकली जनाब, एनीमिया इसे कहा जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और इसकी कमी की अलामत भी कई होती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही इसकी कमी की, उसमें सबसे पहले बात तो कि आप थकावट बहुत महसूस करते हैं, आप वीकनेस फील करते हैं। बहरहाल इस पर ओवरऑल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज खून डॉक्टर एस के अंसारी साहब, आपको वेलकम कहेंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें कि एनीमिया है क्या, क्योंकि हमें ये समझ में आती है कि आयरन की कमी, बेसिकली RBCs की कमी जो है वो एनीमिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो जाने को एनीमिया कहते हैं, और उसका जो मेजरमेंट का तरीका है WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर आपका 11.5 से कम है लड़कियों में और 12.5 से कम है लड़कों में, तो इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है। सो लफ्ज़ एनीमिया के मायने हुए जिस्म में लाल खून की कमी, खुलियात की कमी, बिल्कुल ऐसे रेड ब्लड सेल्स, हाँ रेड ब्लड सेल्स की लाल खुलियात की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, और ख़वातीन में इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, बच्चों में अलग वजूहात हैं, बड़ों में अलग वजूहात हैं। अच्छा बेसिकली जब टेस्ट में ये चीज़ें सामने आती हैं तो हमारे यहाँ लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं,
यानी कि उन्हें लगता है कि चूंकि खून के खलियात की कमी का ताल्लुक प्रॉबली लो आयरन लेवल से, या कुछ वो आयरन की टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग जो है वो मिथाइल फोलेट की टैबलेट्स लेने शुरू कर देते हैं, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि खून की कमी के ऊपर आपको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक उस पर अमल करना चाहिए। मगर अगर बॉर्डर लाइन हीमोग्लोबिन कम है, लाइक 11.5 होना चाहिए तो 10.5 है, 10 है, तो आपको अपने न्यूट्रिशन को, लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। अच्छा। अर्बन लाइफस्टाइल में, शहरी ज़िंदगी में, जहाँ रातों को बच्चे जाग रहे हैं और दिन में उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, हम बहुत ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी खुराक, उनकी न्यूट्रिशन वैसी नहीं है जो होनी चाहिए, और बच्चों में एनीमिया हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, सबसे पहले मर्ज़ की तशखीस होना बहुत ज़रूरी है, तो कैसे? एक तो हमने बता दिया कि कुछ सिम्टम्स अलामात में से एक ये है कि आप वीकनेस फील करते हैं और फिर पेल आपका कलर होता है, पीलापन आपके चेहरे पे दिखाई देता है, तो इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें रुजू करना चाहिए? यकीनन, अगर आपको अपने अंदर या अपने बच्चे में या अपने किसी भी घर के फर्द में पीला चेहरे पे पीलाहट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जल्दी थक जाना, दिल की धड़कन को महसूस करना, दिल का तेज तेज धड़कना, डॉक्टर साहब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो बिल्कुल दिल मेरा बहुत तेज धड़कता है, सांस चढ़ जाती, सांस फूल जाती है, डॉक्टर साहब मेरे आँखों के आगे अंधेरा आता है, मैं मुझे चक्कर आते हैं, डॉक्टर साहब ये जो टिपिकल वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि क्या इनको एनीमिया तो नहीं है, यानी कि दिल धड़कने के सबब, तेज धड़कने के सबब और भी कई हो सकते हैं, दिल धड़कने का सबब याद है, याद है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि इनिशियली जैसे डॉक्टर्स ये तजवीज़ करते हैं कोई भी इशू हो कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवा लें तो उसके अंदर ये रीजंस आ जाते हैं, उसके बाद अगर फर्ज करें कि 10 से कम है, 10.5 है, 10 है मर्दों में, या ख़वातीन में भी उस रेंज से कम है जिसमें होना चाहिए, उसके बाद मज़ीद कौन से टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है? जी देखिए, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि तीन तरह के मेन ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, WBC, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर आइसोलेटेड सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है, WBC और प्लेटलेट ठीक है, तो ये एनीमिया कहलाएगा, ठीक हो गया जी। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड सिनेरियो में सबसे ज़्यादा कॉमन है, न्यूट्रिशन मतलब खुराक की कमी कह लीजिए, या अगर हम अपने जो माशाल्लाह जो वेल टू डू लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, खाने के बहुत माशाल्लाह से वो है तादाद है, तो वहाँ हम देखते हैं कि फूड सिलेक्शन मतलब चिकन के नगेट्स चल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, चिप्स चल रहे हैं, चॉकलेट्स चल रही हैं, ऑल द जंक फूड। अच्छा, फिर जब टीनेज में आ जाते हैं तो एक कंडीशन कहलाती है एनोरेक्सिया नर्वोज़म, लड़कियों में दुबला और स्मार्ट होने का, बॉडी को शेप में लाने का बहुत शौक है, वो खाना नहीं खाती हैं, जो बाजी अपनी छोटी बहन को सामने बैठी हैं, जो बाजी अपनी छोटी बहन को लेकर आई हैं कि इसको एनीमिया है, 6 हीमोग्लोबिन है, बाजी का को अपना तो HB चेक कराओ तो उनका 5 हीमोग्लोबिन होता है, और अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में ये इस्तात रखी है कि लो हीमोग्लोबिन पे बॉडी अपने आप को अकोमोडेट करती है, मगर कभी भी किसी वक्त भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ। सो एक गुटका छालिया नौजवान लड़कों का मसला है, लड़कियों का दुबला स्मार्ट लगना, लड़कों का गुटका। रिकवर क्या करें, व्हाट आर द फूड्स जिनको हर किसी के एक्सेस में हो वो खा के वो रिकवर कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, खजूर, सस्ता तरीन, खजूर आम तरीन, कैलोरी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और आयरन भी बराबर कर रहा है, हीमोग्लोबिन भी बराबर कर रहा है आपका, ठीक है। फिर गाय का गोश्त, लोग कहते हैं जी हम गरीब हैं पैसे, माशाल्लाह जितना गाय का गोश्त हमारे पास ईद के दिनों में आता है और बढ़ता है, अगर उतना भी खा लें तो पूरे साल की आपके फ्रिज में भी आयरन बनता है, पालक से भी, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी है उनमें आयरन होता है, सेब, हम अगेन वही बातें कर रहे हैं जो एक आदमी के अस्तात है जो खरीद, ठीक है, हम बकरे की बात नहीं कर रहे, हम गाय के बगोश की बात कर रहे हैं। सो बैलेंस डाइट और गुड लाइफ स्टाइल, रातों को जागना पूरी पूरी रात, ये मैं बहुत तेजी से, जैसे ये कोविड दौर आया है बच्चे रातों को जाग रहे हैं उनमें ये मसाइल आ रहे हैं, हम आगे बात उसकी इसलिए नहीं कर रहे कि बात बहुत आगे जाएगी कि जाहिर कैंसर की अलामत में भी एनीमिया आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बात यह है कि मजीद भी इस पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकते हैं, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जरा, 10:03 हो चुके हैं, आज वक्त से पहले हम आए हैं, बाखबर सवेरा हमारा प्रोग्राम है और हम यकसू हैं 9 बजे की नस्बत। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं? बस
बस हो गया आपका? हो गया मेरा खत्म हो गया। अब आप शुरू हो गए। अच्छा जी, नाम नहीं लेना आपने दोबारा से, मैं बता किसका अपना। अच्छा मेरा लेना नहीं, आपने मुझे इस तरह धमकाने वाले लहजे में नाम नहीं लेना आपने दोबारा। अच्छा जी चले, तो हम बात कर रहे थे 9 बजे में, जिन्होंने अभी हमें नाजरीन ने ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है खून से रिलेटेड, ऐसे लोग जिनमें खून की कमी है, जिनको एनीमिया के जो पेशेंट हैं, जो एनीमिक हैं, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस पर हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इस बात को, लेकिन अभी हमें जाना है टॉप स्टोरीज पर। भारत में मुस्लिम अकलियत को दीवार से लगाने की साजिशें, हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा कर्नाटक के बाद सबसे बड़ी रियासत यूपी भी पहुंच गया। एहतजाज करने वाली मुस्लिम खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। गर्मियों में लीमू का शरबत और अचार बनाएं और मजे ले लेके खाएं। जलालपुर भट्टिया के खुशबूदार लीमू की फसल पक कर तैयार, किसानों की जानिब से मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा। और खानेवाल में हाईवेज पुलिस के जेरे एहतमाम स्पोर्ट्स मेला, अफसरान और अहलकारों की मुख्तलिफ गेम्स में भरपूर शिरकत। मेले में क्रिकेट, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो के मुकाबले। अच्छा जी, जिस तरह से आमना खटाना साहिबा हवाला दे चुकी हैं इन आर इंट्रो के, हम कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को जो हम लेके चल रहे थे, बिकॉज दैट टॉपिक रिलेटेड टू ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें काफी सारे जैसे ना हम सेल्फ मेडिकेशन जो है वो करने की तरफ जाते हैं हम। ये नहीं, पहले ये है कि अगर आपको थकावट हो, थोड़ा सा मैं रीकैप कर देता हूँ, साइड में कोई डब्बा शब्बा हम नहीं चलाएंगे, जाहिर है कि कोई ड्रामा सीरियल तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कमज़ोरी वगैरह महसूस करें, आप अपने मौलिज से रुजू करें, वो फिर CBC आपसे करवाएगा तो उससे आइडिया हो जाएगा, उसमें एक लिस्ट आ जाती है, उसमें आइडिया हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, उनका पता चल जाता है। फिर उसके बाद अगर उन्हें मजीद कोई टेस्ट करवाने होंगे तो आपसे करवा लेंगे, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन ये ना हो कि आयरन की टैबलेट्स लेके बैठ जाएँ या कोई और चीज़ें ट्राई करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब साकिब अंसारी साहब, आपको फिर से हम वेलकम कर देते हैं। मीनवाइल ये जो आपने कहा था कि भाई गोश्त खाएं, गाय का गोश्त जो है वो अबंडेंस में हमारे यहाँ मौजूद होता है, यूज़ भी होता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी इज़ द राइट क्वांटिटी फॉर अ पर्सन, फॉर अ हेल्दी पर्सन इन अ डे? देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बोटी, जस्ट एक बोटी रोजाना अगर आप खा रहे हैं तो आप में कभी भी B12 और आयरन की कमी नहीं होगी। वाकईतन जनाब, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं समझने की वो ये हैं कि जो हम अक्सर अपने चारों तरफ देख रहे होते हैं कि लोग बड़ी बुनियादी सी बात ना समझ रहे होते हैं, ना पढ़ रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली लोग कॉम्प्रोमाइज लग रहे होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं B12, फोलेट, आयरन, ये अगर दिमाग को कम जाएँ तो आपकी दिमाग की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से हमें मालूम है कि आयोडीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए। चुनाचा हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में और अपने स्कूलों में अगर देखें तो बहुत से बच्चे अपनी परफॉर्मेंस से कम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी वजह भी उनके बैलेंस डाइट ना होना, उनके खुराक में खजूर, सेब और गाय का गोश्त इस तरह की चीज़ों का ना होना। और अक्सर माएँ आके शिकायत करती हैं, डॉक्टर साहब गुंजाइश नहीं है, तो मेरे भाई एक खजूर पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना नवाजा है बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों से कि सस्ते खजूर, सस्ते सेब, गाय का गोश्त तो हर आदमी तक किसी ना किसी सूरत में पहुंच जाता है, नहीं तो बहुत से फलाही इदारे हैं जो चीज़ें बांट रहे हैं। तो इसका मतलब है खून की कमी हो तो आपका जो दिमाग है वो भी उस तरह से काम नहीं करता ब्रेन जी। एक तरफ हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि अगर आपका 8 और 7 हीमोग्लोबिन है और उसको 14 और 13 होना चाहिए था, तो हार्ट को डबल स्पीड से पंप करना है ब्लड को, बॉडी को 6 पे तो सर बॉडी शट डाउन करना शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट चक्कर आने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं लोग। और मगर अल्लाह ने कैपेसिटी दी है, जिस्म फिर भी अपना को संभालने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ना करे कि इस कैफियत में अगर आपको बुखार, इन्फेक्शन हो गया तो आप तो सडन हार्ट फेलियर में जाके। हाँ वही, आप हार्ट फेलियर की बात में करने लगी थी, अगर एनीमिया एक स्टेज से ऊपर चला जाए तो फिर आप में हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। देखिए बदकिस्मती से मैं कुछ गाँव देहातों में भी जाता हूँ, कैंप्स करता हूँ, आज भी पाकिस्तान में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और खुराक की कमी की वजह से बच्चों को एनीमिया हो रहा है और दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया के थ्रू उन लोगों तक भी मैसेज है कि जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हैं और उन लोगों तक भी मैसेज है कि जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि एक आम आदमी तक खुराक पहुंचाएं, मगर एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि बहुत रुपए पैसे वाले अमीर लोगों के बच्चों का भी हीमोग्लोबिन 4, 5, 6 पे आ रहा है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। अच्छा अब जरा ये बताएं कि जो हामिला खवातीन होती हैं उनके अंदर ये इश्यूज होते हैं कि उनका जो ब्लड काउंट है, HB है, उनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है,
तो उसमें किन किन चीज़ों पर आपने नज़र रखनी चाहिए? वैसे तो डॉक्टर टेस्ट वगैरह करवा ही रहे होते हैं। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आज भी दुनिया भर में बदकस्मती से नामौलूद बच्चों के इंतकाल हो जाने की लार्जेस्ट नंबर पाकिस्तान में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आपने बताई कि मदर एनेमिक है। जब मदर में न्यूट्रिशन नहीं है, मदर एनेमिक है, तो उसके जो जिस्म के अंदर उसके जिस्म का हिस्सा उसकी औलाद है, उसका दिमाग, दिल, जिस्म, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज होगी। और इस वजह से आज भी माएँ साथ छोड़ जाती हैं, बच्चे उनकी दुनिया से चले जाते हैं बेसिक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, बेसिक एनीमिया की वजह से। इन आगही प्रोग्रामों के तहत हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा छोटी छोटी चीज़ों से, एक गाय की गोश्त की बोटी, एक खजूर रोजाना से, आप ना सिर्फ अपनी बीवियों के, अपने बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं, बल्कि उनमें से शायद कोई माइक्रोसॉफ्ट का बानी की तरह मुल्कों का दौरा भी कर रहा है। साकिब अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एनीमिया पर उन्होंने प्रॉपर डिस्कशन बताया कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर डाइट के थ्रू इस पर काबू पाया जा सकता है, इससे रिकवर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलें जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहां पर शामिल करने जा रहे हैं और वफाकी वज़ीरे इत्तला तो नशरियात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तनकीद कर रही है। किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए, कोई जादू का चिराग है तो बता दें। अच्छा जी, तनकीद की है। बहरहाल उन्होंने, दे आर इन द गवर्नमेंट, इट्स देयर जॉब टू फाइंड आउट द वेज टू फैसिलिटेट। उन्होंने यही कहा कि ओपोजिशन तनकीद करें तो आप हमें मुतबादल बता देना कि इसका क्या, किस तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। बहरहाल बात यह है कि जाहिर है कि हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपके पास, आपको ये मैंडेट दिया जाता है कि आप आवाम को फैसिलिटेट करें। जाहिर है कि तनकीद तो एट टाइम्स आप भी कर देती होंगी, मैं भी कुछ ऐसे जुमले कह देता हूँगा, लेकिन दिस इज़ नॉट आवर जॉब टू फैसिलिटेट आवाम। ये जॉब जो है वो गवर्नमेंट की है, वो उनकी जिम्मेदारी, इसी मैंडेट के तहत वो हुकूमत में आए हैं, तो जाहिर है कि उसके रस्ते उनको तलाश करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सत्य, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे एनीमिया की, हम बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन हम बीमारियों के पीछे क्या वजूहात हैं, फैक्टर्स जो हैं उसको फिगर आउट नहीं करते। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पेट की बीमारियाँ, मेदे की बीमारियाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम कहाँ पर क्या मसला क्या आ रहा है, क्या इशू है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे बड़ी वजह ये होती है साफ पानी। साफ पानी जो है अगर उसकी इनटेक की जाए तो आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर अल्लाह की तरफ से ही साफ पानी मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से उस तरह से इकदाम नहीं लिया जाता। बातें अच्छा। की जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी गंदा पानी। अच्छा आमना, एक और चीज़ भी है, सिर्फ अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सिर्फ 20% लोग एस्टिमेटेड हैं कि जी उनको साफ पानी दस्तयाब है, वो शहरी इलाकों के लोग होते होंगे प्रॉबली, लेकिन उसके अंदर भी आप देखिए कि वाटर प्योरिफिकेशन के हम भी कोई ना कोई मीन्स, कोई फिल्टर्ड पानी, कोई किसी कंपनी का पानी या कोई उबालने का चक्कर, जिसकी जो कैपेसिटी है। अब मसला ये है कि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको पैदा नहीं किया जा सकता, उसको प्रिजर्व जरूर किया जा सकता है, उसके लिए डैम्स और मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। तो एक तो मसला है पानी का होना या ना होना, दूसरा मसला है उसका साफ ना होना। तो बड़े मसले मसाइल से हम गुजर रहे हैं। आपने भी कमी वाली बात की है कि पानी की कमी की वजह से। अब आप ये देखें कि दुनिया में जो कहा जाता है कि आगे जो जंगें होंगी वो पानी पर होंगी, वाटर रिसोर्सेज पे होंगे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, क्यों? और उस, अब हम क्या करते हैं जी, पानी जो है वो वेस्ट करी जा रहे हैं, ये सोच नहीं रहे कि पानी की कमी हो जाएगी फिर आगे किस तरह से सर्वाइव किया जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है इस पर बात करना और इस पर काबू पाना, इस मसले का हल निकालना, और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो यकीनी बनाना कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे, ताकि जो आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कारनामा अंजाम देने वाले तलबा की टीम के सरबरा और पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शफीक साहब, वही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जी। इन्होंने कारनामा ये अंजाम दी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा बॉटनी के तलबा ने सनतों और सीवरेज के आलूदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद तरीका मुतारिफ करवाया। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या तरीका है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शफीक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, ऐसे फिल्ट्रेशन और डीसेलिनेशन मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स के हम नाम सुनते रहते हैं, तो आपका ये जो प्लांट है ये है क्या, ज़रा बताएं हमें, आगाह कीजिए इसके मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। असल में हमारी समाजी और मुआशी चैलेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान में पहले तो हमारे पास वेस्ट वाटर को साफ़ करने के लिए प्लांट्स की कमी है, ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और दूसरा फिर अगर हैं भी तो वो फुली ऑपरेशनल ही रहते,
क्योंकि उनकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। सो इस चैलेंज को सामने रखते हुए हमने भी कोशिश की एक अमली तहकीक करने की, जिसमें हमने गंदे पानी को एक बायोफिजिकल सिस्टम के ज़रिए साफ़ करने की कोशिश की। इसमें मेनली हम लोकल ख़ास तरह के पौधे जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं उनको, और ख़ास तरह के बेडिंग मटेरियल होते हैं जिनमें स्टोन्स होते हैं, बायोचार होती है, इनको मिला के हम एक ऐसी असेंबलेज बनाते हैं जिसके अंदर से जब पानी गुजरता है तो उसमें आलूदगी इतनी कम हो जाती है कि उसे हम खाने वाली फसलों को इरीगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि फसलों के ऐसा ही हमने एक तजर्बा किया। अच्छा जी, अब ये चक्कर ये है कि एक जन हमारे यहाँ बेसिकली दोहरे मयार हैं। एक जानब तो हम देखते हैं कि तकरीबन 32 मिलियन एकड़ फीट पानी जो कि हमारे पास स्टोरेज ना होने की वजह से, डैम्स ना होने की वजह से जाके गिरता है समंदर में। दूसरी जानब जो पानी है उसकी सेफ्टी के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये जो आपने तरीक़ाकार अपनाया है, जो आप प्लांट आप लगा रहे हैं उसके ज़रिए किस हद तक पानी साफ़ हो सकता है, यानी कि कितना परसेंट पानी साफ़ हो सकता है? इसमें डिपेंड करता है कि जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं वो पहले गंदा कितना ट्रीटमेंट से। अच्छा, मसलन अगर एक इंडस्ट्री का पानी होगा तो वो बहुत ही आलूदा होता है, जैसे किसी चमड़े की फैक्ट्री का पानी या टेक्सटाइल का। तो उसके अलावा उसमें होता है कि जो उसमें आलूदा मादे हैं वो किस तरह के हैं। तो आम तौर पर जो इंडस्ट्री का पानी होता है उसमें आलूदगी का लेवल इतना होता है कि उसको ट्रीट करने के बावजूद उसमें एक हद तक आलूदगी रह जाती है। अच्छा, और इस केस में भी हमने यही किया कि जब आलूदा पानी को ट्रीट किया तो उसमें आलूदगी थी, लेकिन वो इस हद तक थी कि वो हमारे जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा जो हमारे इरिगेशन स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कौन किस हद तक पानी अगर साफ हो तो वो पौधों को दिया जा सकता, ख़ासकर उनको जिनको इंसान खाता है। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जब इस सिस्टम के ज़रिए हमने ट्रीट किया वेस्ट वाटर को, तो जो हासिल शुदा साफ़ पानी था उसमें आलूदगी पाकिस्तान के जो इरिगेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको बड़ी आसानी से मीट कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि ये अलमिया है कि कुछ इलाकों में तो पानी आता ही नहीं है, और जहाँ पर आता है जब वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है तो 20 से 22 बाल्टियाँ तो वैसे ज़ाया हो जाती हैं पानी की, इस मसले से कैसे निपटा जाए? वो फिर हम एज ह्यूमन हमारे मुख्तलिफ बिहेवियोरल और एटीट्यूड डिलेमास हैं, पानी के सेक्टर में भी हैं। हमने अपनी कैपेसिटी में ये कोशिश की कि पानी का इस्तेमाल तो एक इनएविटेबल चीज़ है, इसी तरह आलूदा पानी का पैदा होना भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो हमने कोशिश ये की कि अगर एक सर्टन जो एंटिटी है, कोई इदारा है या कोई फैक्ट्री है, अगर वो गंदा पानी पैदा करती है तो वो अपने ही प्रेमिसेस में एक ऐसा सेटअप लगा ले। अच्छा, जिसके जरिए वो पानी को इस हद तक साफ कर दे। लागत ये जो प्लांट है ये हमने लगाया, ये 1000 लीटर के लिए था क्योंकि ये प्रोटोटाइप था और इसमें बहुत सारी R&D इन्वॉल्व थी, तो इस पर तकरीबन 14 लाख रुपया लग गया। अच्छा, और इसमें इनिशियली जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तकरीबन 2500 से 3000 लीटर पानी को साफ करने की है, लेकिन यकीनन ये जब हम इसको मास स्केल पे ले जाते हैं तो उस वक्त इसकी जो बायो रेमेडिएशन के जरिए ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, और वो तकरीबन बाज़ दफ़ा 300 से 400 गैलन पानी हम महज 1 रुपए के खर्चे पे साफ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शफीक साहब, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मसला ये है आमना खटाना साहिबा कि हो ये रहा है कि हमारे पास पानी, आप अपने आपाशी के ज़रिए को ले लें, आपके पास जो पानी है उसकी प्रॉपरली सप्लाई का तरीका नहीं है, वही पुराने वाले तरीके, ट्रिकल सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा, आपके जो नहरें और खाले हैं वो पुख्ता नहीं है। अब उसमें ये होता है कि पानी मिट्टी में जज्ब होता जाता है। दूसरा ये है कि आपका ज़ेर ज़मीन जो पानी है लाहौर का भी या मुख्तलिफ इलाकों का, उसके अंदर भी आर्सेनिक की लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और वो काबिल इस्तेमाल होने से मतलब ये है कि सेहत के लिए नुकसानदेह। उसके साथ साथ जो पानी हम ज़ाया करते हैं, यानी कि जो हमारा दरियाई पानी है, डैम्स ना होने की वजह से वो पानी जो समंदर में जाके गिरता है 32 मिलियन एकड़ फिट, उसको ही बचा लें, जो पानी अवेलेबल है उसको बचा लें, तो हमें इन चीज़ों की नौबत नहीं आएगी, ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अभी हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कर रहे हैं, जिन्ना अस्पताल कराची के मुर्दा खाने में मोटरसाइकिल्स धोई जाने लगी हैं। मोटरसाइकिल सर्विस के दौरान एक बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तो वहाँ मौजूद मुलाजिम खुद को मसरूफ जाहिर करने लगा। और जरा नजीर शाह से इस पे बात कर लेते हैं। नजीर शाह, ये क्या मामला है ये?
देखें अशफाक, ये जिला अस्पताल का मोरडा खाना जो बाजार मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर में तब्दील हो गया है, और कई एमएलओ वक्त पर पहुंचे या ना पहुंचे, मोर्चरी के अंदर मोटरसाइकिलों की धुलाई वक्त पर होती है। हमें एक शहरी ने इत्तला दी थी, जिसके बाद जब मैं खुद वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक मुलाजिम अपनी कमीज उतारकर बाकायदा अपनी मोटरसाइकिल की बड़ी तुंदही के साथ सर्विस में मसरूफ था। इसी दौरान जब मैं अंदर दाखिल हुआ और जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो ना कोई एमएलओ, ना कोई मातहत, ना ही अंदर कोई और अमला मौजूद था। और इसी दौरान एक बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही लाई जाने लगी तो इसने फौरी तौर पर कमीज पहनी और उसके बाद ये खुद को मसरूफ जाहिर करने लगा। ये जाती इस्तेमाल में लिए जा रहा है, और ये जो कमरे का दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर लाशों को रखा जाता था, लेकिन 4 साल से ये कमरा भी एक्टिव नहीं है और ये बंद है। तो इसका फायदा ये जो मुलाजिम या चौकीदार है ये उठा रहा है और बाकायदा इस कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल को सर्विस की जाती है, वॉश किया जाता है और अपने अख्तियार के गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, और जो लाशें आती हैं ये जो मुद्दा होता है उनके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शफकत महमूद जो कि वफाकी वजीर हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। जो अक्यूज हैं उन्होंने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है और पुलिस वाले को मार पीट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही एक ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी अगर हर अक्यूज ये फैसला करे कि मैंने ये क्राइम किया या नहीं किया, या उसका फैसला अक्यूज के ऊपर हो जाए तो वो तो बहुत अदालतें जो हैं वो फैसला करती हैं, और ये चाहे जो भी किसी ने किया था उन पास ये अख्तियार नहीं था कि वो पिस्तौल से फायरिंग करें और उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश करें। अच्छा सर, पिछले चंद रोज़ के अंदर बड़े इस तरह के केसेज जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कल आलिया अफजा की जानिब से FIA में खातून अमन के हवाले से भी एक दरख्वास्त दी गई मरियम नवाज़ के खिलाफ, उस तरह दूसरी जानिब से मुराद सईद के हवाले से ये मोहसिन बेग के हवाले से FIA में दरख्वास्त दी गई, इस तरह कबल एक दो लोग दरख्वास्तें भी जो हैं इस तरह दी जा चुकी हैं, तो क्या हुकूमत जो है FIA को प्रेशराइज करके, FIA को कंट्रोल करके जो है लोगों के ऊपर जो है दावा बोलने की कोशिश कर रही है? देखें, हर पाकिस्तानी चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे आम शहरी हो, सबके हकूक बराबर के हैं। अगर कोई समझता है कि उसकी इज्जत पे हमला किया गया है और नाजायज़ किया गया है और जो हमारा कानून है उसके उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो उसका हक है कि वो उसके बारे में शिकायत भी करे, जो भी करे। ये हक सबका है, सिर्फ चंद लोगों का नहीं। ठीक है, शुक्रिया। ओके, पाकि वज़ीर तालीम शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। और सत्ती, अब हम बात करने लगे एक बहुत ही जो आजकल सर्कुलेट कर रहा है वो टॉपिक हर जगह, जिसकी हाइप हम देख रहे हैं आलमी मीडिया में भी हमें नज़र आ रही है, वो ये कि भारत में जो हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है और उसके खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अदालतें हैं वो कुछ नहीं कर रही, दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अलमिया ये है कि जनाब 20 मिलियन मुसलमान बसते हैं भारत में, और ये जो रियासत कर्नाटक जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था वहाँ पर 15% मुसलमानों की आबादी है, और बीजेपी की वहाँ पर गवर्नमेंट है। 20 करोड़ से ज्यादा हैं जी, 20 मिलियन 200 मिलियन 200 मिलियन सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, मिलियन में हो जाते हैं, खैर ये हमारा। अच्छा, अब हुआ ये कि 15% आबादी को आप दीवार से लगाने की कोशिश करें, लेकिन अभी ये मामला जो है वो आगे पहुंचना शुरू हो गया है, रियासत यूपी जो कि बड़ी रियासत है भारत की, वहां तक ये मामला पहुंच गया है, लेकिन अदालतें कुछ नहीं कर रही, और वजह क्या है? आपको आपको हैरत क्यों हो रही है मुझे ये बताइए कि जब बाबरी मस्जिद के इंहदाम से मुतालिक जब फैसला आया था भारत की सुप्रीम कोर्ट का, तो उस वक्त तो रोज़े रोशन की तरह ये आया हो गई थी ये बात कि वो भी इंतहा पसंद नज़रियात को भारतीय अदालतें सपोर्ट करती हैं और उन्हीं के ज़ेर असर आकर फैसले करती हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कोई अचंभे की बात नहीं है, और ये कोई कहीं और नहीं, फ्रांस में आप देख लें क्या हुआ, यूरोप के अक्सर ममालिक में क्या हो रहा है, किस तरीके से बैन किया जा रहा है, फ्रांस से इन्होंने मुतासिरों के ये काम शुरू कर दिए, ये तो इनकी अपनी अज़ली ख्वाहिशात में से। मेरी बात सुने, बात ये है कि इतनी बड़ी रियासत में जहाँ पर मुसलमान अकलियत में होगी, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी खासी आबादी वहाँ पर बसती है, आप इतनी आसानी से उनके राइट्स को गस्प नहीं कर सकते, सल्ब नहीं कर सकते, और किस तरह से आप कर सकते हैं वायलेट, मतलब आप बात यहाँ वहाँ से अंदर से भी आवाज़ उठ रही है, आर्मी मीडिया पर बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप डट कर इस पे That is all I can say, और ये कर रहे हैं बेचारे बर्दाश्त वहाँ के मुसलमान। इसी पर बात कर लेते हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मारिया सुल्तान हमें इस वक्त ज्वाइन करिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। ये ज़रा बताइएगा कि ये मामलात जो है
ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये कश्मीर के हवाले से पहले हम बात करते थे कि वहाँ पर कैसे आर्टिकल 370 और 35A के तहत लोगों को उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, अब तो वहाँ पर दीगर मुसलमानों को भी इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। क्या इसको कहीं कोई रुकावट आएगी, कहीं ये सिलसिला रुक पाएगा आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला हिंदुस्तान में अब रुक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर ये पहले वाकया होता जहाँ भी जो लोग हैं मुश्तैल होते हैं किसी अकलियत के पीछे, तो रियासत कभी उसके अंदर जानबदार नहीं हुई है। लेकिन हिंदुस्तान में जो चीज़ देखने में नजर आ रही है वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामानी दहशतगर्दी जो है ना सिर्फ वाजे है बल्कि इस सोच की जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अकासी कर रही है जो बीजेपी की हुकूमत लेके आई है। और वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी अकलियतें हैं उन्होंने शायद जो हिंदुओं हिंदू जो निचली जात के हिंदू हैं हिंदुओं की जो एक तरह से आपसे कह सकते हैं तरक्की के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो उनके उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। यही वजह है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर शहरियत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ उनसे वो तमाम सकाफती अनासर लेके जाने की कोशिश की जा रही है जो पार्लियामान के जरिए दी जा रही है। और जब मैंने कहा पार्लियामान के जरिए या पार्लियामानी दहशतगर्दी का इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अरूज है, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ना सिर्फ हिंदुत्वा जो है सिर्फ बीजेपी के पास है लेकिन ये तमाम हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि आप 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पास करें और उसमें बाकी जो सो कॉल्ड की लिबरल जमातें हैं उन्होंने वहाँ वोट नहीं दिया, या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ है तो उसके अंदर जो उनकी आवाजें थी वो दूसरी तरफ खड़ी थी। और तो ये इस बात की निशानदेही है कि इस वक्त एक हिंदू हिंदुस्तान बनने के लिए चाह रहा है और अब इसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो सोच है वो लोगों का मसला क्या है। मसला मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर हम इस वक्त दुनिया के 16 मुल्क हैं जिनमें चीन भी शामिल है, मोरक्को, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, ताजिकिस्तान, बल्गेरिया, कैमरून, तो वो मुल्कों में हिजाब पर पाबंदी है। अच्छा, वहाँ के कल्चर के हवाले से बात कर सकते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन इंडिया का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर ये बैन अदालतों से करवा पाएंगे या इतनी ज़ेरे असर हैं अदालतें जो कि तासुर भी हमें मिलता है कि वो ये कर देंगी, इजाज़त दे देंगी, कानून बन जाएगा इससे मुतालिक? देखिए, अगर जो चीज़ हमें अभी देखने में नज़र आ रही है ये ना होती और ये हिंदुस्तान की हकीकत ना होती कि वहाँ तासुब इस सतह के ऊपर है जो किसी दूसरी मजहब को बर्दाश्त नहीं कर सकते जब हिंदुस्तान में हिंदू ताकत में आए हैं, तो शायद आपको आज की सूरत हाल देखने में नज़र ना आती। क्योंकि यही सूरत हाल है जो 1947 में पाकिस्तान बनने का सबब बनी कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर। इस वक्त उसी दो कौमी नज़रिए के अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वक्त हिंदू ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बात करने के साथ साथ वो ये बात वाजे करना चाहते हैं कि जो वाहिद इक्तसादी जो एक तरह से कह सकते हैं मरात हैं या सियासी मरात हैं या रियासती मरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए मुख्तस की जाएंगी और बाकी तमाम अकलियतों से उनकी हकूक ले लिए जाएंगे। अच्छा। और ये पार्लियामान के जरिए किया गया और अब इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी कोई अदालत उसके खिलाफ जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। ना हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद में 1400 साल पहले के सो कॉल्ड जो है शवाहिद की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ी तारीखी जो है मस्जिद जो है उसको ख़त्म करने का कह सकती है, उनकी अकबर आबाद को आप उनके नाम पर डील करना चाहते हैं, नाजमुद्दीन औलिया जो है उसकी जगह का नाम आप तब्दील करना चाहते हैं, तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक है जो हिंदुस्तान को की सकाफत को एक तरह कैसे ना हिंदुआइज करना चाहती है। ओपोजिशन जमातों की जानिब से इस हवाले से क्या स्टांस सामने आ रहा है और उनकी जानिब से क्या किरदार निभाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की जानिब से थोड़ी सी तनकीद का सामना तो है लेकिन उस तरह से खुलकर वो भी नहीं बोल रहे। देखिए, तनकीद जैसे मैंने कहा कि ये हमारी सोच है कि शायद जो उनकी लिबरल जमातें हिंदू जमातें हैं वो शायद मुसलमानों के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है, या वो शायद अकलियतों के साथ यानी सिखों के साथ खड़ी हैं या बाकियों के साथ, ऐसी सूरत हाल नहीं है। उनकी जो तरमीम है, जो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें उन्होंने ये बात वाजे कर दिया है, जो इनकी इस वक्त अस्करी पॉलिसी है जो जॉइंट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन निकली है इनकी या जॉइंट डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी से तकरीबन 1 लाख जो अकलियती हैं अकलियती मतलब अकलियत
ہے ان کو نکال دیا جائے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے واجب نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھیں. عامی امور پر بھی مہارت رکھتی ہیں, ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, دس از جسٹ دا بگننگ اینڈ دیر از نو وے ٹو اسٹاپ اٹ, بیکاز دنیا کے جو ممالک ان کو روک سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات دیکھیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بی جے پی پولیٹیکل مائلج لینے کی بھی تو کوشش کر رہی ہے, نیکسٹ ایئر اسٹیٹ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. بہرحال یہ سارے امور ہیں, ان پر ہم بات کر چکے ہیں, واپس آئیں گے ابھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں ایک ایسے مسئلے کا جس کا کسی کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سامنا ضرور کرنا پڑا ہے. آمدنی کٹانا, کبھی آپ کو ہچکی لگی؟ بہت بار. آن ایئر کبھی لگی؟ ہاں, آن ایئر بھی ہوئی ہے. تو اس کا کیسے سامنا کیا؟ کچھ بھی نہیں, بس چپ کر کے ڈٹ کے ڈھیٹ ہو کے. اچھا, میرے پاس ایک سولوشن ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پانی تھوڑا تھوڑا دو تین قطرے اس طریقے سے ڈراپس اس طرح سے پیتے رہیں, یا دو تین سپس لے, کبھی نہ کبھی اس سے حل نکل ہی جاتا ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, خاص طور پہ میرے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب میں زیادہ گرم کھانا کھاؤں. اور ایک اور چیز ہے, ہم بچپن میں سنتے تھے کہ آپ کا دھیان بٹانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اس سے بھی ہچکی چل جاتی ہے. یہ بھی ویسے مانا جاتا ہے ہمارے اور معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. بہرحال اس پر ہم بات کریں گے کہ ہچکی ہے کیا, اور کیا ریزنز ہیں اس کی, کیا علامات ہیں, اور کیوں لگتی ہے ہچکی ہمیں, اس کو کیسے کیور کرنا چاہیے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نیورو سرجری ڈاکٹر رضا خیرات رضوی صاحب, آپ کو ویلکم کہیں گے اینڈ ویری گڈ مارننگ. ہچکی کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیں, ہچکی جو لگتی ہے وہ ایک دو نروز ہیں جن کی اریٹیشن سے لگتی ہے. اچھا, اینڈ ہمارے پیٹ اور سینہ سیپریٹ ہوا ہوا ہے ایک لیئر سے جسے ہم ڈائفرام بولتے ہیں. ڈائفرام کی جو سپلائی ہے وہ ویگس نرو اور فرینک نرو سے ہوتی ہے, جو کہ برین سے لے کے یہاں تک آ رہی ہے. اب ڈیورنگ دس ٹریک, یہاں سے لے کے یہاں تک, کہیں بھی کوئی اریٹیشن ٹو ہے بیکاز آف اینی ریزن, جو کامنلی جو بہت ساری ہیں کہ اوور ایٹنگ کر لی, کچھ ڈرگز انڈیوز ہوتی ہیں لائک اسٹیرائڈس ہیں اور کچھ بہت ساری ڈرگز ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے, انجری ہو جائے اگر کوئی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور اگر ڈیورنگ اس ٹریک کے یہاں سے یہاں تک جہاں سے آ رہی ہے اس ٹریک کے اندر اگر کوئی بھی ایسی گروتھ ہے جو اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے, مے بی کوئی ٹیومر ہے یا اس ٹریک میں کوئی انجری ہوئی ہے, یہ تمام تر چیزیں رسپانسبل ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ تیز کھانا کھانے سے یا بڑے نوالے لینے سے. دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ جو ڈائفرامیٹک موومنٹس اریٹیٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائفرامیٹک موومنٹ کی اریٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اگر ہم نے کوئی ایسی چیز جس سے ہمارا ابڈامنل ڈسٹینشن ہوئی یا پیٹ پھولا ڈائفرام اوپر گیا تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کو ہچکی آ سکتی ہے, ہیکپس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہچکی جب آتی ہے تو اس کا دورانیہ اتنا لمبا نہیں ہوتا, بعض اوقات ایک منٹ, دو منٹ, پانچ منٹ, اس سے زیادہ نہیں رہتی. کب ہچکی آپ کو لگے اور اس کا دورانیہ اتنا ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز باعث سے تشویش ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن نا. اگر ایک نارمل آدمی کو لگ رہی ہے تو یوزولی اس کا جو ایک ٹائم ہے ہچکی کا 12-48 آورز میکسیمم ہوتا ہے جس میں یہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور مسلسل رہتی ہے؟ مسلسل کنٹینیوسلی رہتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. بس تھوڑا یہ کہہ لیں گے کنٹینیو, ایسی نہیں کہ آپ کو ہر وقت ہو رہی ہے, لیکن ود ان اسپین آف آر دو تین دفعہ ہو گئی, پھر ہو گئی, مطلب سم تھنگ وچ از اریٹیٹنگ یو, آپ کو بار بار محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو ہچکی آ رہی ہے. اگر 48 آورز سے اوپر چلی جاتی ہے, ورنہ تو لوگ اپنے جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں, کسی نے پانی پی لیا, کسی نے کہا تم دہی کھا لو, کسی نے کہا ناک بند کر لو, کسی نے کہا زبان پھول کر لو, یہ تمام ٹوٹ کے کارگر ثابت بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, جیسے پانی پینے سے, جیسے اشفاق بھی کہہ رہے تھے پہلے. دیکھیں ہوتا ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ آپ کی پرابلم کہاں پر ہے. اگر ڈیفینیٹلی آپ نے ابڈامنل ڈسٹینشن, آپ کو بھی آپ نے تھوڑا سا پانی کیا, ڈائٹ سافٹلی فلٹرز پاس ہوا, ہوا خارج کی, تو آپ کا ابڈامن کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, دین ٹھیک ہے. بٹ اے پیشنٹ ہو ہیز سم انجری ان دا ٹریک, یا کسی کے ٹیومر ہے, کسی کی اور کوئی سوزش ہے, لائک ہم کارٹیکو اسٹیرائڈ جسے ہم کہتے ہیں, اسٹیرائڈ اگر لے رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہچکی آ رہی ہے, دین آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ اٹ کین بی پرولونگ بیکاز اٹ از ڈرگ انڈیوس, ٹھیک ہے. فٹس میں کسی کو یوز پڑ جاتی ہے, تو فٹس کے لیے ان کا یو نیڈ ٹو ٹیک دا ٹریٹمنٹ فار سچ تھنگ نا, بالکل ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے, تو وہ پھر ایک پرولونگ چیزیں ہیں. اچھا, ویسے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے ٹوٹکے بہت سے یوز کیے جاتے ہیں کہ جناب ناک بند کر لو, پھر اس کے بعد زبان کو اوپر ٹچ کرنے کی کوشش کرو, مطلب اس طریقے سے اپنے منہ کے اندر, تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مختلف لوگ کہتے ہیں, ڈو دے ورک؟
देखिए इसमें एज सच मैं कह रहा हूँ ना कि इसका कोई ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। हाँ अलबत्त जरूर ये कि आपने टंग को जेंटली पुल आउट कर लिया थोड़ा सा, आपने कहा जी वेगस, क्योंकि ट्रैक आपकी नर्व्स की जा रही इधर से ना, तो अगर आपकी ट्रैक्शन थोड़ी सी उससे रिलीज हो गई, वो इरिटेशन रिलीज हो गई, बट डिपेंड ये करता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पैथोलॉजी फॉर दैट, कि किस वजह से वो हो रही है। आइदर वो अगर कोई इरिटेशन है, सिंपल सी इरिटेशन है जो कि सेटल डाउन हो रही है, या कोई परमानेंट उसके अंदर ऐसी चेंज आई हुई है जिसको कि आपने डील करके उसको। अच्छा, डाइट्स में क्या ऐसा जो चीज़ें हैं अवॉइड करनी चाहिए जिससे आप हिचकी से बच सकें? कुछ लोगों को बड़े हम देखते हैं कि अक्सर औकात हिचकी रहती है, एक तो नॉर्मल होना ना कुछ दिनों बाद जाकर हो जाना, लेकिन अक्सर और बेशतर कुछ लोग जो हैं वो हिचकी का शिकार रहते हैं। देखिए डाइट का, देखिए डाइट में तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जैसे ना आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लें, बहुत ज़्यादा ऑयली ना लें, और बहुत ड्राई फूड लाइक बारबी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में भी कहते हैं ना, हाँ वो भी उसमें भी हो जाती है, मतलब कोई भी, लेकिन देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स। हाँ। और ये अच्छा, ये टोरेट सिंड्रोम जिसके ऊपर हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि काफी इस पे काम भी हो रहा है, बात भी कर रहे हैं, मूवीज वगैरह भी बन रही है, ये यही हिचकी इसके जी इसी की वजह से जो है, और इसका इलाज फिर लॉन्ग टर्म क्या होता है? देखिए लॉन्ग टर्म मैंने आपसे कहा कि इफ इट्स मोर देन 48 आवर्स ट्राई टू रिजॉल्व द अंडरलाइंग पैथोलॉजी, ठीक है, उस पैथोलॉजी को रिजॉल्व किया जाए अगर जो भी उसकी पैथोलॉजी है। एक मैं अभी देख रहा था कुछ अर्से पहले, तो एक वन पर्सन जो था वो जो 68 ईयर्स उसको हिचकी रही है। अच्छा, विदाउट 68 ईयर्स ना, तो वो उसकी अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी भी नहीं थी, बट उसको रही तो ही वॉज ऑन द रेगुलर ट्रीटमेंट। तो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, जो कि एक ही मैंने देखा रिपोर्ट हुआ था, लेकिन असल में यही होता है ना कि आपकी जो अंडरलाइन पैथोलॉजी है जिसकी वजह से आपको हो रहा है, अगर कोई इंजरी है, लेट्स से चेस्ट इंजरी हो गई, डायफ्रामेटिक इंजरी हो गई, या कोई नेक में इंजरी है, रूट डैमेज, व्हाट इफ इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो बन रहा है ना, बन रहा है सिंड्रोम, बन रहा है ना सिंड्रोम तो, लेकिन देयर मस्ट बी अनदर रीजन, ठीक है, रीजंस मल्टीपल हैं उसके, लेकिन रूट आपकी तंग रूट ही हो रही है आपकी, ठीक है। डॉक्टर रजा खैरात रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हिचकी पर उन्होंने बात की, और सत्य हम लोग बड़ा इसको नॉर्मल ले रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं कि 68 इयर्स उस बंदे को हिचकी रही, और ये बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत हम इसलिए नॉर्मल लेते हैं कि हमें 2-4 मिनट रहती है, खत्म हो जाती है। सोचें अगर किसी को 24 घंटे भी रहे तो उसके बाद आपने सीधा पहुंच जाना है डॉक्टर साहब के पास। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहां पर शामिल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 2.59 रुपये फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई है, और मंजूरी दिसंबर 2021 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है, और के इलेक्ट्रिक ने 1.80 रुपये फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। बिल्कुल जी, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ये कमी की गई है, और इसके अंदर जनाब 2.59 रुपये फी यूनिट कमी होगी। ये कराची के सार्फीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और नेपरा अथॉरिटी ने 2 फरवरी 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी, और ये सिर्फ मार्च के महीने के बिल्स पर ये लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, और ये तमाम सार्फीन के लिए है, सिर्फ जो कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनके अलावा। और अब आपको लेकर चलते हैं जलालपुर भटिया, जहां पर लीमू की फसल तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि अब तो गर्मियां आ रही है ना सती, तो गर्मियों में लीमू का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिकंजवीन हर जगह तैयार होती है, तो उसके लिए मेरी तो बहुत फेवरेट है। आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली इट्स ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज इट्स फुल ऑफ विटामिन सी और तमाम न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, और साथ में अचार खाते हैं, अचार, बिल्कुल उसके अचार भी बहुत अच्छा बनता है, मुख्तलिफ तरीकों का, पानी के जरिए भी, पानी का भी बनता है और सिरके का भी बनता है, और साथ ही साथ वो बॉयल वाला भी, तो मुख्तलिफ तरीके। मैं टेक नहीं करती, मैं उसको स्किन पे भी यूज करती हूँ, उससे फ्रेशनेस आती है। कहाँ पर आती है? स्किन पर। अच्छा, मोहम्मद मुनीर तबस्सुम की रिपोर्ट है। पंजाब भर में मशहूर जलालपुर भटिया की धरती के लीमू की फसल पक कर तैयार हो गई। लजीज लीमू अचार बनाने के अलावा गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए शिकंजवीन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इस बाग में लीमू के ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो साल भर फल देते हैं।
कीमती फल उगाने वाले किसान हुकूमत की जानिब से मुनासिब सहूलतें ना मिलने का शिकवा भी करते हैं। इधर हमें मुनासिब रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम पेशावर इस्लामाबाद वगैरह की मंडियों पर लेकर जाते हैं, उधर हमें मुनासिब रेट मिलता है। और हमारी जो है हुकूमत से अपील है कि बाहर वाली मंडियों का निज़ाम हमारे लिए खोल दिया जाए, जिससे हमें भी फायदा हो रहा और हमारे मुल्क को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचे। लीमू एक ऐसी चीज़ है जो घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती है। विटामिन सी से भरपूर होने के बायस इसे मतदद फायद का हामिल माना जाता है। लीमू जिस्मानी वजन कम करने वाली गजा है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मैदा को बेहतर बनाते हैं, जबकि नशास्ता और शक्कर के हजम होने के अमल को सुस्त करते हैं, जिससे शुगर का लेवल कंट्रोल में आता है। लीमू का ताज़ा अरक रोजाना नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाज़न में रखने का एक बेहतरीन जरिया है। मंडियों में लीमू के रेट्स मुनासब ना मिलने की वजह से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद माली परेशानी का शिकार हैं। अगर हुकूमत लीमू की एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे तो किसानों की मुश्किलात हल हो सकती हैं। मोहम्मद मनीर तबसम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटियां। चलें जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।